हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। एक नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जो बेसिक मॉडल का जो फ्लैशिंग होता है फ्रेंड्स, ये साइड बटन भी होता है, टॉप बटन भी होता है, जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग जो मॉडल होता है फ्रेंड्स, उसका जो स्लो भरने का ऑप्शन है फ्रेंड्स, क्या है, एक बार फ्लैश मारने के बाद जो दोबारा पानी भरता है बहुत देर तक लगता है, आधा घंटा घंटा लग जाता है फ्रेंड्स। उसको कैसे ठीक करें, ये क्या बीमारी है, उसको कैसे उसका हम ठीक कर सकते हैं, इसी ब्लॉग में मैं आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करो पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये है जो बेसिक मॉडल जो फ्लैश है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्लैश, ये साइड बटन भी हो सकता है, टॉप बटन भी हो सकता है। बहुत सारे जो बेसिक मॉडल का टॉप बटन भी आता है और साइड बटन भी आता है फ्रेंड्स। सबका जो ये पानी स्लो भरने का एक ही बोले तो एक ही ऑप्शन है, एक ही बीमारी है। उसको कैसे ठीक करते हैं देखिए, पहले कवर को खोलिए फ्रेंड्स। देखिए ये क्या हो रहा है ना, जब भी आप एक बार फ्लैश मार देते हैं तो ये धीरे 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 पानी भरता रहता है। देखिए ये फ्लश हो गया फ्रेंड्स, देखो स्लो से पानी भर रहा है, बहुत स्लो से। इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है फ्रेंड्स, फर्स्ट आपको क्या करना है, इसका जो पानी का जो कनेक्ट हुआ है, जो कनेक्शन पाइप का जो स्टॉप कक लगा है, इसको एंगल कक बोलते हैं, पहले इसको बंद कर देना है। और फ्रेंड्स इसको, ये जो पाइप है ये हाथ से भी खोलता है, और कुछ नहीं खोला तो मंकी प्लस से या तो कटिंग प्लेयर से खोल सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, पहले इसको खोलना है, यहां पे पहले चेक करना है पानी बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहां तो पानी बराबर आ रहा है फ्रेंड्स। अगर इसको पानी कम आया, इसमें स्लो आया, तो फ्रेंड्स यहां क्या है, ये जो स्टॉपकॉक लगा है यहां पे क्या है कि जो स्पिंडल लगा रहता है उसमें अगर कचरा फंस गया तो यहां पानी स्लो आना शुरू हो जाता है। या तो कनेक्शन पाइप पूरा ना होने के बाद, ये ब्रास का है, जो लोग जहां पे जीआई लगा हुआ है वहां पे भी रस्ट होके ये पाइप भी ब्लॉक हो सकता है। पहले इसको पाइप को यहां से चेक करो, अगर यहां से बराबर आ रहा है तो ठीक है, अगर यहां से नहीं आ रहा है तो फिर इसको खोलो, खोल के एंगल कक में चेक करो, यहां पे भी रस्ट होता है। अगर उसमें भी पानी नहीं आ रहा है तो एंगल कक खोल के पाइपलाइन को चेक करना पड़ेगा, वहां पे रस्ट हुआ तो स्क्रू ड्राइवर से साफ करना पड़ता है। और दूसरा चीज, अगर यहाँ बराबर आ रहा है तो इसका अंदर से पानी सप्लाई नहीं हो रहा, तो फ्रेंड्स क्या करना है देखिए मैं आपको बताता हूँ। इसको पहले मैं खोल के बाहर ले लेता हूँ, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा फ्रेंड्स। इसको खोलने के लिए यहाँ पे एक चेकनट प्लास्टिक का लगा हुआ है, देखिए पीवीसी का, इसको ऐसे खोलना है, राउंड करके बाहर निकालना है इसको। टॉप बॉटम का फ्लश भी सेम होता है, देखिए इसका भी सेम ऐसे ही है, जिस तरह का बल्क है सभी अलग अलग कंपनी का है, लेकिन सेम उसका जो बल्क सिस्टम है सेम है, अलग अलग साइज का भी हो सकता है। देखिए ये थोड़ा सा आपको हाथ से अच्छा से खोलना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड्स ये खुल गया, अभी मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ फ्रेंड्स। इसका नाम है बल्कक, ये ही पानी को कंट्रोल करता है, जैसे कि पानी भरवाता है, और जब पानी फुल हो जाएगा फ्लैश में, यहाँ तक हो जाएगा तो इसका जो मार्किंग है, इससे ज़्यादा हुआ तो यहाँ ओवरफ्लो होता है, यहाँ तक हो जाएगा तो ये बॉल ऊपर आने से, ये देखिए यहाँ पे जो स्क्रू टाइप का बटन लगा है, ये बटन को प्रेस करता है, ऐसे प्रेस करने से ये जब ऊपर आता है ये बटन प्रेस होता है फ्रेंड्स। जो स्लो भरता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको खोल के फिर ये जो यहाँ पे जो कपलिंग लगा हुआ है, ये कपलिंग को खोलना है, इस ये बल्क का कपलिंग को, देखिए इसको ऐसे खोलना है, और खोलने के बाद इसको बाहर निकालना है। देखिए फ्रेंड्स ये जो बॉटम है, देखिए ये जो बॉटम है, ये बॉटम मिस नहीं होना, इसको ध्यान रखना है, ये बॉटम ही प्रेस कराता है वाशर को फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए एक वाशर लगा हुआ है, ये वाशर फिलहाल तो अभी चेंज हुआ था, इसलिए देखिए इसी टाइप का ये वाशर आता है, जैसे ब्लैक का व्हाइट का इस टाइप का, देखिए सेम वाशर है। और ये वाशर यहाँ लगाने से क्या करता है, ये जो बॉटम है, ये जो बॉटम मैंने आपको बताया था, वो बॉटम प्रेस करता है वाशर को, जिसके वजह से यहाँ से पानी आता है। देखिए फ्रेंड्स ये जो होल है, आपको देख रहा होगा ये जो होल है, इसमें से पानी अंदर होता है, इनसाइड से आके अंदर होता है, और इधर से पानी फिलिंग होता है। अगर आपको ये वाशर जो है, अगर ये वाशर कट गया, फट गया, या तो हार्ड हो गया, तो क्या करता है, ये ठीक से प्रेस नहीं होता है, ये जैसे प्रेस कराता है, जो बॉटम मैंने आपको दिखाया था, ऐसे प्रेस कर रहे तो पानी बंद होता है। अगर ये वाशर हार्ड हो गया तो ये काम नहीं करा, तो आपको क्या करेंगे, फिर आपको जो स्क्रू को टाइट करे तो
क्या करता है, पानी स्लो होता जाएगा, भरेगा नहीं। इसलिए वाशर को कभी भी स्लो भरे तो ये वाशर को चेंज कर देना। अगर आपको अच्छा नया वाशर डाल दिया तो ये अच्छा फंक्शन करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से पानी जल्दी से भरेगा। और एक ऑप्शन क्या है, ये जो होल में अगर इधर कुछ कचरा आके इसी होल में फंस गया तो इसमें क्या होता है, पानी स्लो भरता है। तो आपको क्या करना है, इसको खोल के पहले इसका जो होल है, देखिए इनसाइड में आपको दिख रहा होगा, ये जो होल है इसका अंदर से आपको साफ करना पड़ेगा। कोई भी पिन गिन डाल के इसको क्लियर कर दिया तो फिर आपको ये वाशर को दोबारा ऐसे ही लगा देना है। देखिए वाशर कैसे लगा है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये जो बल्क का मैंने एक छोटा वाशर है, आप ये जो बल्क सिस्टम है, आप कितना भी सिस्टम अलग अलग बड़ा बड़ा साइज पे हो सकता है, वाशर थोड़ा सा बड़ा छोटा हो सकता है, बड़ा वाशर भी लगता है। और आपको देखना है आपको साइज कौन सा है, इसी वाशर को लेके गया तो हार्डवेयर शॉप में भी मिल जाएगा आपको। तो ये वाशर को इस तरह का लगाना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो बॉटम है, ये बॉटम कभी भी क्या है, ये सिंगल पीस है, वो क्या है गिर जाता है कहीं ना कहीं, ये बॉटम को ध्यान रखना है। और ऐसे लगाने के बाद है, फिर फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ग्रिप बना हुआ है, कटिंग पीस का ग्रिप बना हुआ है, सेम इसका भी कटिंग पीस की ग्रिप बना हुआ है इसमें, देखिए। तो आपको सेम साइज में अंदर जाना पड़ेगा, देखिए इस तरह ही सेट करना, क्योंकि आप एक बार खोल दिया तो सेटिंग नहीं कर पाया तो फिर ओवरफ्लो होना शुरू हो जाएगा, जो ये काम नहीं करेगा। फिर आपका ये जो चेक नट है, आपको उसको जैसे थ्रेडिंग चढ़ा था ऐसे ही चढ़ाना है, देखिए ये ऐसे ही चढ़ाना है। फ्रेंड्स ये कैसे काम करता है, अगर पानी यहाँ से इन हुआ तो वाशर क्या करता है, ये बॉटम बाहर रहता है, जब पानी का फोर्स ये फुल हो जाएगा धीरे धीरे ये बल्ब ऊपर आना शुरू हो जाएगा। ऊपर आए तो देखिए, ये ऊपर आए तो ये बॉटम प्रेस होना शुरू हो जाता है, देखिए वाशर को जाके जब फुल हो जाएगा ये दबा देगा। फ्रेंड्स ये क्या है, ये जो स्क्रू लगा है ये एडजस्टिंग का स्क्रू है, आपको कितना लेवल तक टैंक में पानी रखना है इसी हिसाब से आपको क्या करना है, पानी चालू करके बॉल को उठा के देखना है कहाँ तक आए तो यहाँ से पानी बंद हो रहा है, अगर ये ऊपर आया तो इधर से पानी गिरना बंद हो जाएगा, तो इसी हिसाब से आपको एडजस्ट करके रखना पड़ेगा। फ्रेंड्स क्या है, पानी जो स्लो भरता है यही जो वाशर प्रॉब्लम है, या तो ये इसमें कुछ कचरा फंसा तो ये पानी स्लो आता है। तो इस चीज में आपको ये कभी भी आपको ये खराब दिखा, मान लीजिए वाशर खराब हो गया तो ये पानी कंट्रोल नहीं करेगा, ओवरफ्लो होके इस साइड से और इस साइड से भी पानी गिरना शुरू हो जाएगा। और ये आपको चेंज करके इसको ठीक से अगर आपने रेडी कर दिया तो कंटिन्यू पानी जो आपका एक बार फ्लश मारने के बाद है दोबारा पानी जल्दी जल्दी भरना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं अभी दोबारा इसको जिस तरह आपने देखिए ये खोलने का टाइम पे आपको ध्यान रखना है, जैसा खोलोगे तो इसी तरह आपको सेट करना पड़ेगा, और इस तरह सेट कर दिया तो पानी बराबर रहेगा। फ्रेंड्स आपको आप लोगों का बहुत सारी कमेंट था कि ये जो स्लो वाटर भरता है फ्लश में, आपको समझ में आ गया होगा ये तो बेसिक मॉडल है। मैं नेक्स्ट वीडियो में जो डबल साइपन वन पीस कमर होता है उसका भी स्लो भर रहे हैं तो उसको कैसे सेट करना है उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना है, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना। आज के लिए इतना ही है।